नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप की पड़ताल देख रहे हैं। हमारा वो सेगमेंट जहां पर हम सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे सच और झूठ की बात करते हैं। क्या है आज का मामला? नजीब अहमद जेएनयू का एक स्टूडेंट अक्टूबर 2016 से लापता है। नजीब के गायब होने के मामले की जाँच सीबीआई कर रही थी। 2 साल जाँच के बाद अक्टूबर 2018 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। जैसा नाम से स्पष्ट है, क्लोज से क्लोजर बना, यानी कि सीबीआई भी नजीब का पता नहीं लगा पाई। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, नजीब का कुछ पता नहीं। लेकिन इन सब के बीच समय समय पर नजीब के ISIS यानी कि आतंकवादी संगठन ज्वाइन करने का हल्ला सोशल मीडिया पर उड़ता रहता है। ऐसा ही मैसेज पिछले 3-4 दिनों से वायरल हो रहा था, इसलिए लल्लन टॉप के कई दर्शकों और पाठकों ने हमसे पूछा कि सच्चाई बताइए, ये जो तस्वीर में घेरे में लड़का दिख रहा है, क्या ये जेएनयू का स्टूडेंट नजीब है? और ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? जब नजीब की मां ने पूछा था कि कहां है मेरा बेटा, 16 मार्च 2019 प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगा रही थी। सुबह 9 बजे पीएम ने एक ट्वीट किया, मैं भी चौकीदार के साथ। नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस, उन्होंने इसे रिट्वीट किया और पूछा कि अगर आप चौकीदार हैं तो बताइए मेरा बेटा कहां है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर नजीब के आईएएस ज्वाइन करने की खबर चलने लगी और साथ में चलने लगी ये तस्वीर। इस फोटो की हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये फोटो इराक के अल अलाम शहर की है और कब खींची गई है? 7 मार्च 2015 को। इस फोटो में जो आपको नौजवान दिख रहे हैं वो शिया लड़ाके हैं। ये लोग आईएएस के नियंत्रण वाले तिकरित शहर में एक लड़ाई में जीत के बाद जश्न मना रहे थे। ये तस्वीर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए ताहिर अल सूदानी ने खींची थी। नजीब और इस लड़के में जमीन आसमान का अंतर है। 2 बातें आप जान लीजिए। पहली बात, इस वायरल तस्वीर में नजीब नहीं है, और दूसरी बात कि तस्वीर में दिख रहे लोग आईएस के आतंकवादी नहीं है। एक और नजीब गायब हुआ था। नजीब के आईएस ज्वाइन करने की खबरें 2018 में खूब वायरल हुई थी। अल्ट न्यूज के मुताबिक अगस्त 2017 में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक छात्र गायब हो गया था। उसके आईएस ज्वाइन करने का अंदेशा था। इस अंदेशे का आधार एक टेक्स्ट मैसेज था जिसे उसने गायब होने से पहले अपने परिवार को भेजा था। उसका नाम भी नजीब ही था, तो वीआईटी के नजीब को जेएनयू का नजीब बताकर वायरल कर दिया गया। व्हाट्सएप फेसबुक पर इसे खूब शेयर किया गया। भाजपा नेता राम माधव और स्वपन दास गुप्ता ने भी इसे शेयर किया। कुछ मीडिया संस्थानों ने इस भ्रामक खबर को आगे बढ़ाया। बाद में दिल्ली पुलिस ने स्वयं इस खबर में कोई सच्चाई न होने की पुष्टि की। लेकिन जैसी हमारे समय की या हर समय की त्रासदी है कि जो बुरी चीज होती है, जो झूठी चीज होती है, उसका तो खूब प्रचार प्रसार होता है, लेकिन जो सत्य है उसकी रोशनी कई दफा टिमटिमाती नजर आती है। पर कोई बात नहीं, गुरुदेव टैगोर कह गए हैं ना कि जब सूरज अपनी पारी खेलकर अगली सुबह तक के लिए विदा होता है तो जिम्मेदारियां दियों को सौंप जाता है। ऐसा ही एक नन्हा लेकिन आपके स्नेह और भरोसे के ईंधन से जलता हुआ दिया है लल्लन टॉप, जो किसी भी पार्टी के खिलाफ और किसी भी पार्टी के पक्ष में फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि लल्लन टॉप को ये पता है कि इस देश के संविधान की और इस देश के प्राण यानी कि आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि सत्य कायम रहे। शुक्रिया।